हेलो एवरीवन, वेलकम टू महात्मा एजुकेटर। कैसे हो बच्चों? बढ़िया, एकदम मजे में। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में 2024 में हम लोग जून से पढ़कर 90% कैसे लाए, जून से पढ़कर 90% कैसे लाए, 95% कैसे लाए, यह हमारा आज का टॉपिक है। इसमें मैं आपको हर एक चीज वो बताऊंगा कि एक टॉपर स्टूडेंट आखिर करता क्या है, कैसे पढ़ाई करता है, और आप भी अब जून से लेकर अपने एग्जाम तक पढ़कर टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम ज्यादा इसमें बकवास नहीं, ठीक है, एकदम काम की चीजें पे बात करेंगे, एकदम एकदम जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि एकदम ऑथेंटिक चीजों पे बात करेंगे। आ जाइए, तो देखो यार, सबसे पहली बात कि टॉपर स्टूडेंट आगे पढ़ते क्या है। तो टॉपर स्टूडेंट कुछ अलग नहीं, अलग तरीके से पढ़ते, इस बात को याद रखना, अलग तरीके से पढ़ते। और ये तरीका क्या है ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। सबसे पहली बात कि अभी आपका जून है, ठीक है, तो जून से आपको पढ़ना है, आपका एग्जाम फरवरी में है, फरवरी के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, फरवरी के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम हो जाएगा। जून से लेकर फरवरी, नहीं सर, जनवरी तक का आपके पास टाइम है, ठीक है, जून से लेकर जनवरी तक टोटल 8 महीने आपके पास बाकी है, टोटल 8 महीने आपके पास बाकी है साहब। अब इस 8 महीने में कैसे पढ़े, ठीक है, तो देखो यार, 8 महीने में अगर आपको टॉप करना है तो 5 महीने में आपको सिलेबस खत्म करना होगा, आपके सेंटअप एग्जाम से पहले आपको सिलेबस खत्म करना होगा। मतलब आपको जून जुलाई, ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तक आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेते हो अपने सिलेबस को तो हाँ सर, आप एक टॉपर स्टूडेंट हो। अगर आपको कोई टीचर अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा देता है तो हाँ सर, उस टीचर से पढ़ के आप टॉप कर सकते हो। अब ढूंढना है कि कौन सा टीचर है जो कि आपको अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा देगा, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अगला, नवंबर दिसंबर जनवरी, सर ये 3 महीना बचा हुआ ये क्या करेंगे? सर इस 3 महीने में आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, ठीक है, इस 3 महीने में आपको जो है सेट्स पे सेट्स लगाने हैं, इस 3 महीने में, मतलब सेट्स पे सेट्स लगाने का मतलब क्या है कि सर प्रैक्टिस करना है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। इस 3 महीने में आपको टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, इस 3 महीने में आपको ये चीज़ें करनी है, और ढेरों सारी वैसी चीज़ें, राइटिंग पे ध्यान देना है, ठीक है, मीन्स फिर से दोबारा से एक बार फिर रिवाइज करना है, 2 बार 3 बार 4 बार हमको रिवीजन करना है। तो ये 3 महीना हम लोग इसमें देते हैं। अगर इस 3 महीना को नहीं देंगे इन सब चीज़ों पे तो सर हमें आता हुआ चीज़ भी हम एग्ज़ाम में गलत करके आएंगे, आता हुआ चीज़ भी एग्ज़ाम में हम गलती लिख कर आएंगे और हम सही तरीका से नहीं लिख पाएंगे। दैट्स वाई ये चीज़ें ज़रूरी है। तो जून से लेकर अक्टूबर तक अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो हाँ, 95% 90% लाने की चांसेस आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर 3 महीना रिवीजन, फिर फरवरी में एग्जाम, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, फरवरी में एग्जाम होगा ही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो सर अब मैं आपको बताता हूं कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट में क्या अंतर होता है, आखिर एवरेज स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट कैसे बन सकता है। एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट आराम से बन सकता है, एवरेज से टॉपर बनना बहुत आसान है, बस अर्थे आपको कुछ गलतियां नहीं करनी होंगी, आपको सही स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा, आपको सही गाइडेंस मिलने वाला होना चाहिए, सही गाइडेंस देने वाला होना चाहिए, सही तरीके से पढ़ाने वाला होना चाहिए, सब कुछ आपको अगर मिल रहा है तो भैया आप एवरेज से टॉपर जरूर बन सकते हो, ठीक है। अब देखो, एक एवरेज स्टूडेंट के पास अगर 24 घंटे हैं दिन में, सर टॉपर स्टूडेंट के पास भी 24 घंटे हैं दिन में। अगर एक एवरेज स्टूडेंट का, ठीक है, अगर एक एवरेज स्टूडेंट का दिमाग कुछ है तो, मतलब इतना बड़ा है, तो टॉपर स्टूडेंट का दिमाग भी इतना ही बड़ा है, ठीक है। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट का सिलेबस कुछ है, ठीक है, कुछ भी है, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, अगर सिलेबस की बात करें तो सर एवरेज स्टूडेंट का सिलेबस और टॉपर स्टूडेंट का सिलेबस, दोनों का सिलेबस सेम होगा, ठीक है, ना ही तो सिलेबस में अंतर, ना ही तो टाइम में अंतर, कुछ भी नहीं। सर अगर हम बात करें एग्जाम में क्वेश्चन पेपर, हाँ सर टॉपर स्टूडेंट को हल्का क्वेश्चन मिल गया होगा, नहीं सर, टॉपर स्टूडेंट चाहे एवरेज स्टूडेंट दोनों को सेम क्वेश्चन पेपर ही एग्जाम में आते हैं, सेम क्वेश्चन पेपर भी सेम होता है दोनों का। बट फिर भी एक टॉपर स्टूडेंट टॉप कैसे कर जाता है और एक एवरेज स्टूडेंट एवरेज ही क्यों रह जाता है, तो सर उसका पढ़ने का तरीका उसको एवरेज बनाता है और उसका पढ़ने का तरीका उस बंदे को टॉपर बनाता है। सर पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए ये मैं आपको अभी बताता हूं। फिलहाल आप हमें ये चीजें समझ गए होंगे, हाँ सेम चीजें हैं, फिर भी रिसोर्सेज भी सेम है, जो रिसोर्सेस इसके पास है
सेम रिसोर्सेस इसके पास भी है, ठीक है सर। टॉपर स्टूडेंट हो सकता है कि अमीर हो? नहीं सर, आज तक कितने टॉपर स्टूडेंट को अमीर होते हुए देखे हो? ठीक है, आप बोलोगे ना कि सर टॉपर स्टूडेंट हो सकता है अमीर हो, वो अमीर बंदा जो है उसके पास ढेर सारे पैसे खर्च करने के लिए हो कोचिंग में। सर कितने स्टूडेंट को देखे हो आप टॉपर स्टूडेंट को ढेर सारा पैसा खर्च करते हुए? नहीं सर, टॉपर स्टूडेंट 2,000, 3,000, 4,000 का कोर्स खरीद कर टॉप कर सकता है, ठीक है। तो टॉपर, एवरेज से टॉपर बनना बहुत आसान है, लेकिन आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी। वो चीजें क्या है आप यहाँ पे देखो। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस आपका पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि हाँ मेरे एग्जाम में क्या क्या आ रहा है, क्या कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ कितने मीन्स चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, किस मार्किंग स्कीम देखना पड़ेगा आपको कि मार्किंग स्कीम क्या है, आपको जो है वेटेज देखना पड़ेगा किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से कम क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा MCQ आता है, किस चैप्टर से ज़्यादा आपका सब्जेक्टिव आते हैं, 2 मार्क्स या 5 मार्क्स आते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा सिलेबस, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या आते हैं क्या क्या नहीं आते ये आपको देखना पड़ेगा, और सही सिलेबस आपको हम लोग प्रोवाइड कर दिए हुए हैं महात्मा एजुकेटर ऐप पे। आप जाकर ऐप डाउनलोड कर लेक्चर प्लानर में जाकर देख सकते हो, ठीक है। आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। सर आपका एग्जाम पैटर्न क्या है? आप परीक्षा देने से पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि सर आपका पैटर्न क्या है, कि किस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए, और एकदम सही और ऑथेंटिक पैटर्न भी हमने ऐप पे बता रखा है, आप ऐप डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हो, ठीक है। सर आपके पास सेल्फ रोड मैप होना चाहिए। देखो अगर कोई बंदा है, अगर कोई बच्चा है, उसके उसको अगर खजाना मिल गया, ठीक है, उसको जो है सोना गोल्ड मिल गया, ठीक है, और इस गोल्ड को जो है एक बड़े से जंगल से पास करना है, ठीक है, एक बड़ा सा जंगल है, ठीक है, एक क्या है जंगल है, चलो छोड़ो, एक बड़ा सा जंगल है, और ये बंदा यहां पे है, इस बंदा को यहां से जो है वहां तक पहुंचना है, तो इस रास्ते को जाने के लिए वह रोड मैप बनाएगा, ठीक है। उसको जाने के लिए, यहां गोल्ड पाने के लिए, सोना पाने के लिए वह अपना एक नक्शा तैयार करेगा, और नक्शा तैयार कर वह अमीर बन जाएगा। तो उसी तरीके से आप अभी यहां हो, आप अभी यहां हो, और यहां पे आपका जो है 95% रखा हुआ है, ठीक है। तो इस 95% तक जाने के लिए आपको यह पूरे रास्ता है, ठीक है, और इस रास्ता में आपको वह रास्ता ढूंढना है जो कि सबसे जल्दी पहुंचाए आपको और सबसे सही तरीके से पहुंचाए। तो आपको जो है उसके लिए क्या बनाना होगा, अपना एक खुद का नक्शा बनाना होगा, रोड मैप तैयार करना होगा कि कैसे कैसे मेरे को वहां तक पहुंचना है, ठीक है। आपको डेली टारगेट बनाना पड़ेगा। सर कि डेली टारगेट कहने का मतलब क्या है कि देखो यार, देखो आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हो, देखो दूसरा पॉइंट मैंने टाइम टेबल यहां पर दे रखा है, और इन दोनों को मैं आपस में रिलेट करता हूं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हो गए आप लोग जिसमें टाइम टेबल डेली आप लोग बनाते हो, आप लोग डेली टाइम टेबल लिखते हो, या फिर आप महीने में 2-3 बार टाइम टेबल लिखते हो कि हाँ सोने से पहले कि हाँ मैं ये करूँगा या ये करूँगी, कल से मैं इस टाइम पे ही पढ़ूंगी, लेकिन कल आता है फिर से नहीं हो पाता, फिर सोचते हो कि नहीं आज नहीं हो पाया कल से शुरू करेंगे, लेकिन फिर कल आ जाता है फिर नहीं हो पाता, और ये कल कभी नहीं आता है, ये बात आपको पता है। टाइम टेबल आपका रखा का रखा हो जाता है, फिर आप जोश जोश में आते हो, फिर से टाइम टेबल बनाते हो और नया टाइम टेबल फिर फॉलो करने का कोशिश करते हो, 1-2 दिन हो पाता है, बट फिर उसके बाद नहीं हो पाता है। तो दैट्स व्हाई टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है, ठीक है, आपको डेली टारगेट पे काम करना है। डेली टारगेट एक इफेक्टिव चीज है। सर क्या है डेली टारगेट? अगर हमको आज अगर 10 चैप्टर पढ़ना है, मतलब पढ़ना है 10 चैप्टर पढ़ के ही सोना है, तो ऐसे आप डेली का टारगेट बनाओ कि हाँ मैथ्स में आज मेरे को यहां से यहां तक पढ़ना है, केमिस्ट्री में यहां से यहां तक, फिजिक्स में यहां से यहां तक, इंग्लिश में यहां से यहां तक, और हिंदी में यहां से यहां तक। हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ऑल सब्जेक्ट अभी से ही पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते क्या है कि इंग्लिश और हिंदी को हलवा समझते हैं और उसको लास्ट में पढ़ने जाते हैं। मोस्टली जो जेई और नीट के स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश और हिंदी को लास्ट में पढ़ते हैं, और बाबू उनका जो नंबर होता है वो 60 से लेकर 70 के बीच में अटक जाता है, जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप जो है 85 से 90 नंबर आसानी से ला सकते हो, बट इसका 60 से 70 नंबर क्यों अटक जाता है? क्योंकि ये बच्चा सोचता है कि हम लास्ट के 3 महीने में जाके पढ़ेंगे, लेकिन वह लास्ट का 3 महीना में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ऊपर ही लटक जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को ही पढ़ पाता है, इंग्लिश और हिंदी पे टाइम नहीं दे पाता है। दैट्स व्हाई अगर आप हमारा बात सुनो तो आप इंग्लिश और हिंदी को स्टार्टिंग के 3 मंथ में कंप्लीट कर लो,
शुरू के ही 3 मंथ में कंप्लीट कर लो, लास्ट के लिए क्यों छोड़ना, आपको 3 महीना में ही करना है ना, तो शुरू के 3 महीने में कर लो, लास्ट में क्यों छोड़ना, लास्ट में जो कर रहे हो वो लास्ट में कर लेना, पहले इंग्लिश और हिंदी को कंप्लीट कर लो, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी आपका 85 से 90 नंबर, अगर मान के चलो 80 नंबर, तो सर 80 नंबर यहाँ पे 60 से 70 नंबर, इसका मान के चलते हैं सर 60 नंबर ही या 70 नंबर ही मान लेते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट मिला के 20 नंबर आपका छूट जाएगा ना, तो 20 नंबर का जानते हो परसेंटेज कितना बनता है सर, 20 नंबर का परसेंटेज जानते हो कितना बनता है, आप कैलकुलेट करके देखो कि 20 नंबर अगर मेरा कट रहा है तो कितना परसेंट कट रहा है, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हिंदी और इंग्लिश को स्टार्टिंग के 3 महीने में ही खत्म कर लेना है, ठीक है। अगला, टाइम टेबल पे काम नहीं करना है, टाइम टेबल आपका होना चाहिए, लेकिन हाँ ये नहीं कि टाइम टेबल मैंने बना लिया कि सुबह 7 से इतना 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 था, वो काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। अगला, योर मेंटर, आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, और वो मेंटर आपका या तो ऑफलाइन टीचर हो सकता है, या तो आपके भाई हो सकते हैं, या तो आपकी बहन हो सकती है, या आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी माताजी हो सकती है, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी आपको मेंटरशिप नहीं कर पा रहा है, तो भैया आपके अभिषेक भैया है मेंटरशिप करने के लिए, हम आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे मेंटर करते रहेंगे, ठीक है, आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर हमारा मेंटरशिप का फायदा उठाना है अच्छे तरीके से, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड करके जो है कोर्सेस में जाइए, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, और उसमें आपको हर एक टीचर का, ईच एंड एवरी टीचर, टोटल 6 टीचर की हम लोगों की टीम है, हर एक टीचर का आपको नंबर प्रोवाइड किया जा रहा होगा, हर एक बच्चे को प्रोवाइड किया भी गया है जो ऑलरेडी ज्वाइन है, ठीक है। दूसरा, हैंड रिटन नोट्स आपको बनाना चाहिए। हैंड रिटन नोट्स बनाने का फायदा क्या है सर, हैंड रिटन नोट्स बनाने का एक सबसे बढ़िया फायदा है कि जो बच्चा अपना खुद का नोट्स बनाता है उसको पता होता है कि हाँ यह टॉपिक इस टॉपिक के बाद है, अगर यह टॉपिक उसको रिवाइज करना है तो फट से उस टॉपिक को खोलेगा, तुरंत रिवाइज कर लेगा, ठीक है। 8वां, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सर, फॉर्मूला सेट आप एक अलग से बनाओ, फॉर्मूला सेट आप अलग से बनाओ, फॉर्मूला सेट हम लोग भी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं ऐप पे, ऐप पे जाकर आप देखो कितना मस्त तरीके से फॉर्मूला हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पास होना चाहिए सर, आपके पास जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका एक लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट को आप हमेशा रिवाइज करो, वीक में एक बार जरूर रिवाइज करो, ठीक है। चाहे वो आपका 10 चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हो, लेकिन चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है तो 1 के टॉपिक को रिवाइज करो, सप्ताह में एक बार हर एक चैप्टर को रिवाइज करो, ठीक है। तो ये आपको 8 पॉइंट समझ में आ गई होगी, अगर आप ये 8 पॉइंट जिस तरीके से मैंने बताया, एक भी चीज अगर आप स्किप नहीं किए हुए तो आसानी से आप टॉपर बन सकते हो, ठीक है। अगला चीज है आपको कि अगर आपको टॉपर बनने में कोई असुविधा हो रही है, या फिर आपको कोई सब्जेक्ट में नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कुछ भी हो रहा है, तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं संकल्प बैच। संकल्प बैच बेसिकली यह जो है संकल्प बैच 3 है, ठीक है। तो सर संकल्प बैच 1 और संकल्प बैच 2 का क्या हुआ? सर संकल्प बैच 1 फरवरी में स्टार्ट हुआ था, जिसमें लगभग 350 क्लासेस हो चुकी है, 350 क्लासेस हो चुकी हैं ऑल सब्जेक्ट मिलाकर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश हिंदी बायो 6 सब्जेक्ट मिलाकर। संकल्प बैच 2 जो है अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि अगर अभी भी अगर वो बच्चा ज्वाइन करता है, कोई बच्चा अगर आज ज्वाइन करता है संकल्प बैच 2 को, 2.0 को, तो सर उसको ढेर सारा बैकलॉग मिलेगा, ठीक है। या फिर कोई भी बच्चा किसी भी अदर इंस्टीट्यूट में जाकर बैच ज्वाइन करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर बैच ज्वाइन करता है, तो उसको ढेर सारा बैकलॉग मिलेगा, ढेर सारी मीन्स पीछे की छूटी हुई चीज़ें मिलेंगी, उसको पहले वो कंप्लीट करेगा, जब तक वो उसको कंप्लीट करेगा तब तक सिलेबस इधर भी भागता रहेगा, पीछे में उसका बैकलॉग लगते चला जाएगा, लगते चला जाएगा। दैट्स वाई हम लोग जो है जून से, 5 जून से स्टार्ट कर रहे हैं संकल्प बैच 3, और संकल्प बैच 3 का जो फी है वो सिर्फ और सिर्फ 1800 है, आप 1800 में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये ऑफर कब तक का है सर? तो ये ऑफर आपको 4 जून तक का ही है, 4 जून तक आप इस ऑफर में ज्वाइन कर सकते हो, आफ्टर डैट ये जो फी है वो 2500 हो जाएंगी। तो सर आपका जो एक्चुअल फी है वो 2500 है, बट अभी ऑफर पे आप 1800 में जाकर ज्वाइन कर सकते हो, कोई कूपन कोड कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब समझो मेरी बात कि सर अगर आप इस कोर्स इस एफोर्डेबल फी के साथ ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो सर सॉरी, हम अपना हाथ जोड़ते हैं कि सर इससे कम हम फी नहीं रख सकते हैं। अगर हाँ रख सकते हैं एक शर्त पे, अगर कोई इंस्टीट्यूट आपका इससे कम फी में पढ़ा रहा है, ऑल सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो सर आप बताओ मेरे को कौन सा इंस्टीट्यूट है, मैं देखूंगा और उससे कम फी में आपको पढ़ाऊंगा, 1800 से कम में हम आपको पढ़ाएंगे, अगर कोई इससे कम में पढ़ा रहा है तो। देखो इससे कम में जाना मतलब पॉसिबल नहीं है सर, हमारे भी पेट है, ठीक है, हमारी भी पेट है, ठीक है। दैट्स व्हाई तो आपको इस बैच में
लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, डेली होमवर्क, टेस्ट सीरीज। देखो डेली होमवर्क भी आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज भी आपका रेगुलर, ठीक है, एंड मच मोर, बहुत सारी चीजें। सबसे बड़ा फीचर्स क्या है कि सर आप हैंड राइज कर सकते हो, हैंड राइज कर सकते हो क्लास के अंदर अगर आप लाइव क्लास कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लाइव क्लास कर रहे हो तो लाइव क्लास में आप हम जैसे बोल रहे हैं उस तरीके से बोलकर अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फीचर्स है हमारे ऐप का। तो आई होप कि आप लोग जरूर ज्वाइन करोगे, क्योंकि भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि आपका डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। चलो दूसरा चीज़ कि अगर आपके कोई भी भाई बहन क्लास इलेवेंथ में है या फिर कोई भी अगर क्लास इलेवेंथ में, तो इसको आप शेयर कर देना। इसका जो फी है ओनली 1500 है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश मीडियम में। और ये जो बैचेज हैं, जो ये संकल्प बैच है, तो ये किस मीडियम में है सर? यहाँ इंग्लिश मीडियम आपको शो हो रहा होगा, ये इंग्लिश मीडियम की बैचेज है। तो हमारे ऐप पे शुरू से ही इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को गाइड किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो आप जाओ महात्मा एजुकेटर ऐप पे बैच को ज्वाइन करो, और इसमें आपको हर एक टीचर, जितने भी टीचर यहाँ पे दिख रहे हैं ना, हर टीचर का आपको नंबर प्रोवाइड किया जा रहा होगा कि भाई कोई भी सब्जेक्ट में कुछ भी दिक्कत हो तो आप उनको मैसेज करो, उनसे सोल्यूशन पाओ, ठीक है। क्या ये चीज़ कहीं पे मिलता है? नहीं मिलता है, हमारे ऐप पे मिलता है सभी टीचर का नंबर। कहीं किसी ऐप पे किसी टीचर का नंबर मिलता है, किसी टीचर का नहीं मिलता है, बट हम लोग देते हैं, क्योंकि भैया हमें अपने टीचर पे भी भरोसा है, अपने स्टूडेंट पे भी भरोसा है। तो भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।